हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं एक नई रेसिपी जिसका नाम है हरी मटर की कचौड़ी। वीडियो में लास्ट तक बने फुल वॉच करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बनाना। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट पड़े हैं, लेते हैं थाली, उसमें डालते हैं एक कप सूजी। सूजी डालने के बाद डालते हैं एक कप आटा। आटा डालने के बाद इसमें डालते हैं नमक स्वादानुसार, उसके बाद डालते हैं अजवाइन, उसके बाद डालते हैं 2 स्पून ऑयल सरसों का। ऑयल डालने के बाद में इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तेल को आटे में। उसके बाद आटे को अच्छी तरह से तेल में मच लेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं अच्छी तरह से, उसका अच्छी तरह से गूंथते हैं। देख सकते हैं मेरा आटा गूंथ चुका है, एक अच्छा सा डो बन के तैयार हो चुका है। उसके बाद चढ़ाते हैं एक पैन। पैन चढ़ाने के बाद इसमें डालते हैं थोड़ा सा ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसमें थोड़ा सा अजवाइन डालते हैं। अजवाइन डालने के बाद इसमें डालते हैं मटर। मटर छिली हुई पहले से छील लिए थे, इसके दाने निकाल लिए हैं। उसके बाद इसमें अच्छी तरह से इसको पका लेंगे। उसके बाद इसमें डालते हैं नमक। नमक डालने के बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर डालते हैं। लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद इसमें डालते हैं धनिया पाउडर। उसके बाद चाट मसाला, उसके बाद गरम मसाला। मसाले सारे डालने के बाद इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, तो ये देर के लिए ढक देंगे। 5 मिनट बाद देखते हैं मेरी मटर लगभग पक चुकी है। उसके बाद में इसको अच्छी तरह से चम्मच की सहायता से पीस लेंगे। ऐसे ही मटर सारी मटर तोड़ लेंगे। देख सकते हैं मेरी मटर पूरी तरह से पीस चुकी है चम्मच से। उसके बाद इसमें ऊपर से कर देंगे धनिया की गार्निशिंग। उसके बाद चढ़ाते हैं कढ़ाई। कढ़ाई में डालते हैं थोड़ा सा ऑयल तलने के लिए। उसके बाद में आटे को अच्छी तरह से गूँथ लेंगे फिर से, क्योंकि आटा मेरा कड़ा हो गया था। अब इसको सॉफ्ट कर लेंगे। सॉफ्ट करने के बाद में इसे छोटे छोटे लोई काट लेंगे, कम से कम 5-6 लोई काट लेंगे। देख सकते हैं लोई मेरी ऐसे कटी हैं। उसके बाद में इसमें बारी बारी से जो इसका मसाला है मटर का, इसको आटे में भर देंगे। अच्छी तरह से भरेंगे क्योंकि फटे ना, नहीं तो तेल ख़राब हो जाएगा। चारों तरफ से इसको अच्छी तरह से मतलब पैक कर लेंगे। फिर दूसरा भी अच्छी तरह से उसी तरह भर लेंगे। ऐसा भरना कि ज़्यादा भी ना भरे ना कम भरे, कचौड़ी में पता चले कि इसमें मटर है। अच्छी तरह से दाब दाब के भर लेना। उसके बाद ऊपर से मुंह को अच्छी तरह से बंद कर लेना। देख सकते हैं मेरी कचौड़ी बनके तैयार हो चुकी है। ये देख सकते हैं सारी कचौड़ी बनके तैयार हो चुकी है। इसमें दिख रहा है कि भरा हुआ है कुछ मटर। सारी कचौड़ी बनके तैयार हो चुकी हैं। मेरी 7 कचौड़ी हैं। तब तक मेरा तेल गर्म हो गया है। उसके बाद तेल में डालते हैं एक एक कचौड़ी तलने के लिए। एक तरफ हो जाए तो इस कचौड़ी को पलट लेंगे दूसरी तरफ भी पकाएंगे अच्छी तरह से, और गैस का फ्लो स्लो होना चाहिए, नहीं तो कच्ची रह जाएंगी कचौड़ी। कचौड़ी मेरी पूरी बनके तैयार हो चुकी, पक भी चुकी। उसके बाद इसको निकाल लेंगे। दूसरा भी खान पक चुका है, इसको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसके बाद रखते हैं बीच में मिर्च का अचार, साइड में रखते हैं कचौड़ी। देख सकते हैं मेरी कचौड़ी बनके तैयार हो चुकी है, एकदम कुरकुरी गर्मा गर्म। ऐसी वीडियो पाने के लिए अर्जुन किचन को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नई रेसिपी में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें।